क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3 इफ सी गेट ₹1000 मोर देन डी। ओके, ये तो इसका सबका रेशियो दिया है और बोल रहा है क्वेश्चन में इफ सी गेट 1000 मोर देन डी, 1000 मोर देन डी। ओके, तो क्या होगा, तो सी और डी का हम लोग पहले वैल्यू निकाल देते हैं। तो सी को क्या लिख सकते हैं, वन थाउजेंड प्लस डी लिख सकता हूँ बाय डी को, तो डी ही लिखना पड़ेगा, डी का तो कोई वैल्यू नहीं है। और सी का क्या है रेशियो, सी का रेशियो है 4। ओके, तो 4 लिखिए। डी का रेशियो क्या है, 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो करना नहीं है, ये तो जस्ट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा मेरा 3000 प्लस 3D इक्वल्स टू 4D। तो ये D इधर जाने से माइनस हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 3000। ओके, तो D का वैल्यू आ गया 3000। अब मैं C का वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, तो C का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3000, ये किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। तो इसमें पुट कर देते हैं, ओके, कितना आ जाएगा मेरा सी का वैल्यू, 4000। तो ये 4000 जो आया ये सब नंबर का आया, 4000 आया सब नंबर का, कितना नंबर है टोटल, 4 नंबर। तो डिवाइड करते हैं 4 से, कितना आ जाएगा 1000। सो 1000 एक नंबर का होगा, सब ईच नंबर का 1000 होगा। ओके, तो पूछा गया है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी शेयर, बी का शेयर पूछा है, बी का कितना है रेशियो, कितना है बी का, 2 है। सो 2 × 1000 हो जाएगा ये जो वैल्यू आया सबका, तो कितना आ जाएगा मेरा 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको चेक कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे 2000 आंसर सही है। तो